आइए आइए सौरभ भाई, आपका स्वागत है, आइए। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग हैं कभी राजेंद्र विधुआ जी के घर पे, और आज टीकमगढ़ आना हुआ। चुनावी चौपालें चल रही हैं, लोगों से मिलना पड़ रहा है चुनाव को लेकर, और तमाम चर्चाएं लगातार कर रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे घर पे आए हैं जो हमारे कवि हैं, चर्चित चेहरा हैं, हर कोई जानता है उनके लिए विधुआ जी के घर। और विधुआ जी के घर में जैसे ही आते हैं तो हमें यहाँ पर एक गौ माता मिलती हैं, और पूज्य संत बागेश्वर धाम सरकार कहते भी हैं कि गौशाला नहीं है उपाय, एक घर एक गाय। और कहीं ना कहीं राजेंद्र विधुआ जैसे लोग वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। गौ माता हैं और यहाँ पर कहीं उन्हें बांधने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए किस तरीके से वो गेट के सामने बैठी हैं और आराम से इसी तरीके से महारानी है इनका नाम। और आइए राजेंद्र विधुआ जी से थोड़ी चर्चा करते हैं, कौन है, कैसे गौ माता को इन्होंने रखा, क्या किनसे प्रभावित हुए हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं। भैया सौरभ भाई, कभी राजेंद्र विधुआ के घर है, आपका स्वागत और वंदन। आज आप आए हमें बहुत अच्छा लगो, और आके हम इसे प्रसन्न भय के आपकी नज़र हम पे नहीं पड़ी, सबसे पहले हमारी गौ माता पे पड़ी। और ज्या प्रेरणा हमें मिली थी मलुक पीठ के पीठाधीश्वर, हमारे प्रातः स्मरणीय संत श्री मलुक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज को मैं कृपा पात्र हूँ। और एक स्लोगन जो हमने आज बुंदेलखंड के उदयमान नक्षत्र पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर, उनको स्लोगन है गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू और एक गाय, कोई को पालन करत भय। लच्छो महारानी हमारी किचन में, पूरे घर में, आप चाहें तो अब हम के बाहर खोलें देश से पूरी किचन में हों, आउती सबरे में, बेडरूम में, हर जगह माने इनकी कहीं कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई गौशाला है। अब जैसे लच्छो काम मान लो ठाणो करें, चलो लच्छो लो। और ये लच्छो महारानी अब हाल पूरे किचन मिचन में जिते का होते चली जाने जा, माने कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जे किताऊँ भी चली जाएँ। नुकसान हाला देखने पड़ा जी का जी मोड़ी मोड़ा अंदर टीवी देख रहे सो काऊ ने किया दही जाओ सुबह चली गई। और इनको खाबो पीबो सब सब तई है, बिल्कुल सब तई है। जो का देखो अपन के धर्मशास्त्र में सनातन में कन लगत के गऊ गोबर में सदा विराजी रहत लक्ष्मी मैया, और जिनके जीवन में गौ मैया उनके राम रखैया, जो गोबर भी कह दो। और अब ये बहुत देर से बैठी अपनी प्रसादी करें, हम अपने जीवन ही में धारण करें। और इसे लोगों को और प्रेरणा क्या लेना चाहिए जैसे इस प्रकार हमारा तो जो कहो है, शासन सरकारन से भी विनती है, हम तो भारत के प्रधानमंत्री से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने जो जनहितार्थ योजनाएं चलाई, जैसे रुपया किलो को फ्री को राशन, कोविड काल में कितनी गरीबन खा योजनाएं दई, कम से कम भारत भूमि की गंजन खा आप गरीब की श्रेणी में गिन लो। अब है मध्य प्रदेश सरकार ने एक ठगुआ योजना चलाई लाडली बहना योजना, आप सबने देखो जी को बड़ो डंका और हल्ला पिट रहा पूरे में। तो हम कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना आपने अच्छी चलाई, आप एक योजना केवल लाडली गौ माता योजना चला दो, एक किसान खा अधिकतम 5 गौ माता पालवे तक को, ऐसा नहीं तो कोई 10-50 ही पेड़ ले, 5 गौ माता जो पाले वो किसान की हर महीने आप मॉनिटरिंग कराओ कि उसके घर में गौ माता है कि नहीं, 5,000 को महीना आप दो, जो गरीबन खा दे रहे गौ माता संपूर्ण भारत भूमि की, जो सड़कन पे आज गौ माताएं कितनी काल के गाल में समा रही। सौरभ भाई आप भी यात्रा कर रहे अपने बुलंद बुंदेलखंड को लेके, आप पूरे बुंदेलखंड अंचल में घूम रहे, कितनी गौ माताएं रोड पे कुछ नहीं डरी मिलती आपका, सबने गौ माता सुरक्षित हो जाए, एक गौ माता जो रखे वो किसान का 1,000 रुपया महीना मिले, आप पटवारी से वेटनरी विभाग से उनको सर्वे कराओ कि गैया पली के नहीं पली। सो हम तो भारत के यशस्वी प्रधान से विनती करें कि आप एक योजना गौ माता के रक्षण संरक्षण में ले आओ, संपूर्ण भारत भूमि की गौ माताएं सुरक्षित हो जाएं। एक कवि की एक मनसा है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान का हमने वचन दो तो कि हम गौ माता के रक्षण संरक्षण में समर्पित रहें, यही हमारी मनसा है। इन्हीं शब्दन के संगे आप सब खां जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।